Isolation control in PC-based multi-microprocessor design. जैसे ही हमने last topic में किया था कि main PC और ये sub processor जो कि address data और control lines के साथ connected होते हैं, bus window के through communicate करते हैं और इसमें एक additional hardware का use किया जाता है और buffer का use किया जाता है. देखिए अगर दोनों जो एक मेन प्रोसेसर है और एक सब प्रोसेसर है, अगर दोनों बस विंडो का यूज करना चाहते हैं, यानी कि सिंगल अपने लिए ही, तो एक एसेस करना चाहते हैं कॉमन मेमोरी को, तो उस टाइम पे एक कंफ्यूजन अराइज हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. और उस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए इसमें एक एडिशनल हार्डवेयर लगाया गया है. वो क्या करेगा, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि दूसरे एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर को बस एसेस करने के लिए अलाउ करता है, यानी एक प्रोसेसर उस टाइम पे वर्क कर सकता है. यानी जब दूसरा प्रोसेसर बस विंडो को यूज कर रहा है उस टाइम पे, वो जो पहला प्रोसेसर होगा उसे अलाउ कर सकता है कि मैं छोड़ देता हूँ और तू उसे यूज कर सकता है. यानी इसीलिए आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट लगाया जाता है. अब इसमें हम आइसोलेशन जो कंट्रोल होते हैं वो कैसे करते हैं, एक स्विच कंट्रोल होता है. ज्यादातर 8255 इनपुट आउटपुट कार्ड में एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, ज्यादातर 8255 के लिए. देखिए जो इन 8255 इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं उनका यूज कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ट्राइस्टेट बफर को. ये हमारा ट्राइस्टेट बफर होता है जो कि आइसोलेशन प्रोवाइड करता है. और इन ये क्या करते हैं, 8255 में इनका यूज किया जाता है जो कि आइसोलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, कि आइसोलेशन प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है. जब भी सब प्रोसेसर, ये जैसे हमारा सब प्रोसेसर है, अगर ये कम्युनिकेट करना चाहता है बस विंडो से, तो इसमें क्या होगा, ये इन्फॉर्म करेगा मेन प्रोसेसर को. ये क्या करेगा, मेन प्रोसेसर को इसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो डिसेबल करे ट्राई स्टेट बफर को, ताकि ट्राई स्टेट बफर डिसेबल हो और तब वो विंडो से कम्युनिकेट कर सके. इस टाइम में क्या होगा, जो मेन प्रोसेसर मास्टर सीपीयू, ये आउटपुट देगा 1 बिट की, यानी कि 1 लॉजिक 1 बिट आउटपुट देगा एक जो पोर्ट होगा उसकी पर्टिकुलर पिन पे, जिसका यूज चिप अनेबल ड्राइव करने के लिए किया जाता है 74245 को, जो आइसोलेशन, यानी इसको जो कि आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, सेपरेट करने का काम करती है. और तभी देखिए 8255 में ज्यादातर इसका एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज होता है, और उसी टाइम पे एक रीसेट पल्स जनरेट होगी 8255 की अनदर पिन पे. 8255 पे जब रीसेट पल्स जनरेट होगी तो उस टाइम पे जो स्लेव प्रोसेसर होगा वो रीसेट हो जाएगा, और एक आउट OUT आउट इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करना, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. और कोई भी अगर आइसोलेशन स्टेटस में कोई चेंज आता है तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आइसोलेशन स्टेटस में चेंज आ रहा है एक प्रोसेसर के, उस टाइम पे एक प्रोसेसर जो भी होगा उसको इंटरफेस नहीं करना चाहिए दूसरे जो सब प्रोसेसर हैं उनके बीच में, अगर जो भी अगर स्टेटस में चेंज आ रहे हैं उस टाइम में. और जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, सेव होंगे. जो भी स्टेटस में चेंजेस होंगे वो सेव हो जाएंगे. ये होता है आइसोलेशन कंट्रोल, इसको स्विचिंग कंट्रोलर भी बोलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.